आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं एनएफआर के बारे में। एनएफआर में आप होज, स्टॉप एंड लाइटर जो भी है, मतलब एनएफआर में सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। वो ऐड कैसे कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो पहले आपको एनएफआर ऑर्डर बनाना पड़ेगा, इसके बाद उसको रिसीव करने पड़ेगा, और इसके बाद आपको कैसे, अगर कोई प्रोडक्ट एनएफआर में शो नहीं करता तो उसको कैसे आप ऐड कर सकते हैं। अब हमें एनएफआर ऐड करना है, तो उसके लिए पहले आपको, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपको एनएफआर ऑर्डर बनाने के लिए पहले परचेज में आना पड़ेगा। परचेज में आएंगे, यहाँ पे भी आप देखिए परचेज रिक्यूशन से लिखा, यहाँ पे नीचे आएंगे और सेलेक्ट करना है माय परचेज करेंगे, और इसके बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे परचेज रिक्वेस्ट सब टाइप में आपको कुछ नहीं डालना, यहाँ पे डालना है आपको, यहाँ पे आपको डालना है सेकेंडरी परचेज, और इसके बाद आपको परचेज रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर देना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। और आपको सप्लाई, यहाँ पे देखिए सप्लाई अकाउंट में आपको क्लिक करना है। डिफॉल्ट स्टॉक किस्ट ये सिलेक्ट करना है, ये देखिए नीचे, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे लाइन आइटम में, लाइन आइटम डिटेल मल्टी ऐड लिखा है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पे दो ही स्टॉक शो हो रहे हैं, एक हो गया सूर्य गोल्डन स्टॉक हो गया, और दूसरा एलपीजी सुरक्षा, एलपीजी हो सुरक्षा, ये हो गया, दो चीज है। अब यहाँ पे मुझे जैसे दोनों चीज ऐड करनी तो दोनों सिलेक्ट कर लूंगा, अगर दोनों नहीं ऐड करनी तो मैं जिसको सिलेक्ट करना है उसको। अब मुझे सुरक्षा पाइप यानी पाइप बस ऐड करना है, तो पाइप के लिए मुझे इस पे सिलेक्ट करूंगा ये। अगर यहाँ पे और प्रोडक्ट देखिए दो ही, अगर और प्रोडक्ट यहाँ पे शो कराना है तो उसके लिए भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके बाद आपको ऐड एंड क्लोज पे क्लिक करना है। ऐड एंड क्लोज पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड क्वांटिटी दे रहा है यहाँ पे। अभी मैं आपको 10 किया, इसके बाद आपको कंट्रोल एस कर देना है। कंट्रोल एस करने के बाद आपको यहाँ पे आना ऑटो ऑर्डर, ऑटो ऑर्डर पे क्लिक करना है। ये आपका नया ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको रिसीव कैसे करना है, तो आपको रिसीविंग में, रिसीविंग में आके आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एरो पे, तो यहाँ आपका ऑर्डर आ जाएगा। अब सीट नंबर, सीट नंबर यहाँ पे कौन सा होता है, सीट नंबर ऑर्डर नंबर होता है, तो यहाँ पे आप सीट नंबर डाल सकते हैं अपना। डाल दिया, इसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पे प्लस पे, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे चूल्हा सिलेक्ट करता स्टोव तो वो भी यहाँ पे आता, और ये सेम ईआरबी जैसे होता है, जो प्लांट से लोड आता है, इंडेंट आता है, उसका सारा ईआरबी जैसे यहाँ पे आपको प्रोसेस रहेगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है प्लस पे, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वांटिटी 10 थी, एबिलिटी यहाँ पे आपको करना एनएफआर 1 हैंड गुड 1 हैंड, और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक कर देना, ये ऐड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एनएफआर ऐड हुए, ये देखिए मेरा 185 था, अभी मैंने 10 ऐड किया तो 195 हो गया। बस आपको इतना प्रोसेस करना है, बस इसके बाद आपका एनएफआर ऐड हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ अगर और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं तो वो कैसे करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइड में जाके, और आना है आपको पार्ट
पार्टनर रिलेशनशिप में आना है, यहाँ पे नेम पे क्लिक, पार्टनर नेम पे क्लिक करना है और नीचे आना है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये दे रहा है। अब यहाँ पे मुझे कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना, उसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है। देखिए सारा एक्टिवेट है। पोर्टफोलियो पे क्लिक करना और यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाना है और जो प्रोडक्ट है आपको ऐड करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। यहाँ पे जिस प्रोडक्ट का आपका स्टोव या रेगुलेटर वो सॉरी पाइप जो भी है वो ऐड करना, उसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए सुरक्षा होज ये देखिए सुरक्षा होज आ गया। अब इसमें से अब ये 1.2 मीटर हो गई और एलपीजी हो ये दोनों हो गया। अब इसके लिए आपको जिसको भी है उसको अब 1.2 मीटर ओके कर देंगे, ये आपका ऐड हो गया। इसके बाद ऐड होने के बाद कंट्रोल एस कर दीजिए, आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और वो भी बताया दे रहा हूँ, देखिए कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ये ऐड हो गया। एक्टिवेट कर दीजिए, एक्टिवेट ऑल कर दीजिए, ओके। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो शो भी कर रहा है। मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, मैंने अभी ऐड किया, पूरा प्रोसेस इस तरह है। तो ये आपका वहां से ऐड कर सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आपका में नहीं आ रहा है तो वहां से ऐड करने के बाद आप उसका ऑर्डर बना सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूं, ये देखिए मैंने अभी ऐड किया, ये आ गया सुरक्षा हो आ गया। तो इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं NFR में। अगर NFR ऐड करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कमाल का होगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए समीर बिगेट। प्लीज थैंक यू।